गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइल के हमलों के बाद तुर्की अचानक सुपर एक्टिव हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने मिस्र के साथ मिलकर ऐसा बयान जारी किया है जिससे ईरान बहुत ज्यादा खुश है। जंग में उतरा तुर्की, इसराइल से खूनी बदला शुरू। पिछले 24 घंटे में गाजा और वेस्ट बैंक की जबरदस्त जंग तुर्की तक पहुंच गई है। हालात ये हो गए हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोगान ने ऐलान कर दिया है कि गाजा और वेस्ट बैंक में इसराइल ने जो नरसंहार किए हैं उसका भयानक बदला नेतन्याहू की सरकार से लिया जाएगा। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में कुछ ऐसा खौफनाक और खतरनाक कर दिया है जिसकी उम्मीद ना तो अमेरिका को थी और ना ही तुर्की को। पूरी खबर समझ लीजिए कि अचानक नेटो देश तुर्की इसराइल पर खूनी हमले करने के लिए उतारू क्यों हो गया है, क्यों तुर्की के लड़ाकू विमान, स्पेशल फोर्स, टैंक, तोप और नौसेना इसराइल से जंग करने की तैयारी करने लगे हैं। जरा इस लड़की की तस्वीर को देखिए, इसका नाम है आयसेनूर एजगी ईगी। 26 साल की आयसेनूर एजगी ईगी एक तुर्की अमेरिकी महिला है जिसे वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने सर में गोली मारकर हत्या कर दी। आयसेनूर एजगी ईगी दोहरी नागरिकता वाली तुर्की अमेरिकी महिला थी। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि क्यों तुर्की अमेरिकी महिला आयसेनूर एजगी ईगी को इजरायली सेना ने मार डाला है। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक में नाबलस के पास बेटा कस्बे में नई यहूदी बस्ती बनाने के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीनी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में तुर्की अमेरिकी महिला आयसेनूर एजगी ईगी भी पहुंची थी। इजरायली सेना के मुताबिक प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया और इजरायली सेना पर पत्थर फेंके जाने लगे, तभी इजरायली सेना ने गोली चला दी। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की गोलीबारी में तुर्की अमेरिकी महिला आयसेनूर एजगी ईगी मौके पर ही मारी गई। ईगी के सर पर गोली मारी गई। जब से ईगी की मौत की खबर फैली है, तुर्की ने इजरायल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि आयसेनूर एजगी ईगी तुर्की की भी नागरिक थी। इसलिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजरायल को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईगी की मौत को दुखद बताया, जबकि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने इजरायली कार्रवाई को बर्बर कहा है। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद से इजरायल और तुर्की की सेनाएं एक तरह से एक दूसरे के सामने आ गई हैं। एर्दोगान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वेस्ट बैंक में कब्जे के खिलाफ नागरिक प्रदर्शन पर इसराइल के बर्बर हमले की मैं निंदा करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे देश की नागरिक आयसेनूर एजगी ईगी की आत्मा को शांति प्रदान करे जिनकी इस हमले में जान चली गई। तुर्की इंसानियत के खिलाफ अपराधों के लिए इसराइल को उसके गुनाहों की सजा दिलाने की कोशिशें जारी रखेगा। मिस्र फिलिस्तीन मेसेलेसिंदे ortak bir duruşa sahiptir. 11 aydır devam eden soykırımın sona ermesi, kalıcı ateşkesin bir an evvel tesisi. वेस्ट बैंक में पिछले 11 दिनों से इजराइल का जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। इजराइल का साफ कहना है कि जिस तरह से गाजा की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले किए गए थे, उसी तरह से वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके से इजराइल पर बहुत बड़े हमले की भयानक तैयारियां चल रही थीं।
चरमपंथी फिलिस्तीनियों के कई जिहादी संगठन इसराइल पर हमला करने को तैयार थे। इसराइल का दावा है कि वेस्ट बैंक के जेनिन और जॉर्डन घाटी में हिजबुल्लाह के कमांडर और हमास के लड़ाके इसराइली सेना पर हमले कर रहे हैं। इसीलिए 11 दिन पहले इसराइल ने वेस्ट बैंक में चुन चुन कर हमले शुरू कर दिए। जिसकी वजह से वेस्ट बैंक के जेनिन, तुलकारिम और जॉर्डन घाटी में भयंकर खून खराबा हो रहा है। इसराइल गाजा की तरह ही अपने लड़ाकू विमान, मिसाइल, टैंक और बख्तरबंद वाहनों से पूरे वेस्ट बैंक में जबरदस्त हमले कर रहा है। इधर तुर्की शुरू से ही इसराइल को चेतावनी दे रहा है कि वेस्ट बैंक को गाजा बनाने की जरा भी भूल मत करना, वरना तुर्की चुप नहीं बैठेगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की के हजारों सैनिक, टैंक, तोप और लड़ाकू विमान जंगी तैयारी करने में लगे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुर्की सैन्य तौर पर इतना ताकतवर है कि तुर्की के इस्तांबुल से इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला कर सकता है। जानकारों के मुताबिक इसराइल के तेल अवीव से तुर्की के इस्तांबुल की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक तुर्की आसानी से इसराइल पर अपने घातक TB2 ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलों से हमले कर सकता है। पहले आप ये जान लीजिए कि तुर्की और इसराइल की सैन्य ताकत में कौन बाजी मार रहा है। ग्लोबल फायर पावर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की सैन्य रैंकिंग की सूची में तुर्की 11वें नंबर पर है। वहीं इसराइल इस सूची में 18वें नंबर पर है। तुर्की के कुल सैनिकों की संख्या 7,75,000 है। इसमें 2,00,000 रिजर्व सैनिक भी शामिल हैं। वहीं इसराइल के कुल सैनिकों की संख्या 6,46,000 है। इसमें रिजर्व सैनिकों की संख्या 4,65,000 है। तुर्की की सेना में कुल टैंकों की संख्या 2,229 है। वहीं इजरायली सेना में टैंकों की संख्या 2,200 है। तुर्की की सेना में कुल आर्म्ड व्हीकल की संख्या 1,12,476 है। वहीं इजरायली सेना में आर्म्ड व्हीकल की संख्या 56,290 है। तुर्की की सेना में खींच कर ले जाने वाली तोपों की कुल संख्या 1,938 है, तो वहीं इजरायली सेना में इन तोपों की संख्या सिर्फ 300 है। तुर्की की सेना में कुल रॉकेट आर्टिलरी की संख्या 516 है। वहीं इजरायली सेना में टॉर्ट आर्टिलरी की संख्या 300 है। इजरायली वायुसेना में कुल विमानों की संख्या 601 है। वहीं तुर्की की वायुसेना में कुल विमानों की संख्या 1,065 है। तुर्की के पास कुल 478 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 110 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। वहीं तुर्की के पास कुल 126 हेलीकॉप्टर हैं, इनमें 48 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। तुर्की की नौसेना के पास कुल नौ सैनिक पोत की संख्या 154 है। वहीं इजरायली नौसेना के पास कुल नौ सैनिक पोत की संख्या 67 है। तुर्की की नौसेना में 16 फ्रिगेट शामिल हैं। वहीं इजरायल के पास एक भी फ्रिगेट नहीं है। तुर्की के पास कुल 205 लड़ाकू विमान हैं, उनमें एक भी हमलावर विमान नहीं है। वहीं इजरायल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं, 32 हमलावर विमान हैं। رصاصة في الرأس طبعا تم إجراء اللازم من حيث اللي هي الإجراءات الأولية معها أعطاها المدعمات الضغط وأنه تأكدنا أنه التنفس عندها تمام وتم نقلها بنجاح لمستشفى رفيديا ولكن للأسف يعني كان عندها نزيف شديد في الدماغ واشتغلوا معها استعني أف بيكو استعني أف المستشفى والله تركي اس وقت إيران لبنان اور روس کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف مورچا کھل چکا ہے। अभी तक तुर्की इसराइल पर सीधे चेतावनी से बच रहा था, लेकिन जिस तरह से वेस्ट बैंक में तुर्की अमेरिकी महिला आयसेनूर एजगी ईगी को सर में इजरायली सैनिकों ने गोली मारी है, उससे तुर्की बुरी तरह से भड़क गया है। अगर तुर्की इसराइल से जंग छेड़ देता है तो यकीन मानिए ईरान, लेबनान, यमन इसराइल पर चारों तरफ से हमला कर देंगे। इधर तुर्की की धमकियों से बेपरवाह गाजा से लेकर वेस्ट बैंक में भयंकर हमले हो रहे हैं। इसराइल इस वक्त एक गोली से दो खोपड़ी उड़ा रहा है।
हम पहले आपको ये बता देते हैं कि गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली सेना इस वक्त किस तरह का ऑपरेशन कर रही है। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजरायल ने वेस्ट बैंक में भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि हमास और फिलिस्तीन से जुड़े 42 से ज्यादा लड़ाके इजरायली सेना ने मार गिराए हैं। बैंक में हुए हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत हुई है। हमला वेस्ट बैंक के नॉर्थ हिस्से में सुबह तड़के हुआ। इजरायली सेना ने लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और बुलडोजरों के जरिए पूरे वेस्ट बैंक में कोहराम मचा दिया। इजरायली सैनिकों ने 3 इलाकों जेनिन, तुलकारेम और जॉर्डन घाटी को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने तुबास के फारा रेफ्यूजी कैंप में हमास के 8 लड़ाकों को मार डाला है। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स के इस ऑपरेशन को अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। अक्टूबर 2023 से गाजा जंग शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक पर हमलों की तादाद 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है। दावा किया जा रहा है कि IAF और शिन बैत मिलकर वेस्ट बैंक में जबरदस्त ऑपरेशन करने में जुटे हैं। जरा इस वीडियो को देखिए, इजरायली मिसाइल का धमाका कितना जबरदस्त है। गाजा के नुसीरात में इजरायली मिसाइल का यह हमला अचानक हुआ। जबरदस्त धमाके से कैमरा दूर जा गिरा, जबकि धमाके के बाद सैकड़ों लोग आसपास देखे जा सकते हैं। दावा किया गया है कि इस धमाके में 17 से ज्यादा लोग मौके पर मारे गए। मलबे में लाशों को खोजते सैकड़ों लोगों को देखा जा सकता है। जंग में उतरा तुर्की, इजराइल से खूनी बदला शुरू। अब ऐसे हालात में अगर तुर्की भी इजराइल के खिलाफ जंग में उतर पड़ेगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए, भयंकर खूनी जंग लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुर्की और इजराइल में वही जीतेगा जो पहले हमला करेगा। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।